बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको 12 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। फ्रॉक के लिए मैंने जो पीस लिया उसकी लंबाई 32 इंच है। चौड़ाई भी 32 इंच, डबल कपड़ा मैंने लिया। आप इसे ए लाइन में फोल्ड कर लूंगे इसे इस तरह। ये मेरे पास ट्राउजर में से पीस बचा था, वो मैं इसके साथ अटैच करूंगी इस तरह से। इस तरह से इसकी चार तह लगा लेनी है इधर इसके साथ। साढ़े छह इंच मैंने लीरा रखा। सात इंच मैंने कंधे की लंबाई रखी है। ऐसे बात क्या किया, जस्ट की चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच। साढ़े 8 इंच कमर की चौड़ाई। अब इसकी इस तरह से रेबदार कटिंग कर लेनी है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच। लंबाई 3 इंच। बत्तीस इंच पर मैंने निशान लगाया है और इसी तरह 32 इंच पर निशान लगाते लगाते गुलाई कर ली है इसकी।
अब कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। फ्रंट और बैक साइड का पीस अलहदा कर लेंगे। ये फ्रंट पीस है, फ्रंट पीस की गुलाई कर लेंगे गले की। ढाई इंच पे मैंने निशान लगाया था गले का, साढ़े तीन इंच इसकी गहराई रखी है। ढाई इंच पे इधर भी निशान लगा लिया। अब इस तरह से गुलाई कर लेंगे। सिलाई के बाद इस तरह से आएगा। ये जो पीस मेरे पास बच गया था मैं इसमें ऐड कर लूंगी बाजू में। कंधे की चौड़ाई 7 इंच, बाजू की लंबाई 10 इंच। दस इंच पर निशान लगा के इस तरह गुलाई कर लेनी। अब इजाफी कपड़ा उतार लेंगे। पे कंधे की गुलाई कर लूंगी। फ्रंट और बैक साइड के पीसों को मैंने इस तरह से जोड़ लिया। फ्रंट साइड का पीस मैंने जोड़ लिया। अब मैं कंधों की और हल्की सी कटिंग करूंगी। पहले पहले गला तैयार कर लेंगे।
तीन तीन इंच पर मैंने ये निशान लगा लिए थे, पहले गुलाई कर ली थी, इसकी कटिंग कर ली है। अब इसको बैक साइड पे जोड़ के फ्रंट साइड को मोड़ लूंगी इस तरह। गले का कपड़ा मैंने अटैच कर दिया, डेढ़ इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया, उसके दरमियान में सिलाई लगा के ये मैंने पीस लगा लिए हैं तीन तीन इंच के, तीन इंच इन पट्टियों की लंबाई है। अब इसके किनारे पे मैं सिलाई लगा लूंगी। कंधों और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं बाजू अटैच कर लूंगी। अब घेरे पे मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। बारह साल की बच्ची की फ़्रॉक मैंने तैयार कर ली है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।